जब हम किसी काम को बहुत ही दिल से और शिद्दत से करते हैं, तब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसका नाम है TVS Raider। कुछ अच्छी चीजें कुछ ऐसी बात कर जाती हैं जो कि हमेशा याद रह जाती है। ये देखो इसका साउंड, सुनने की कोशिश करना। स्टार्टिंग सीक्वेंस आपने देखा। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस बाइक का स्टार्टिंग सीक्वेंस, अगर पास ला के दिखाऊं, ये है स्टार्टिंग सीक्वेंस। इग्निशन ऑन किया मैंने, मीटर है कलरफुल जिससे स्मार्टफोन्स होते हैं, और मैं ये दबाने वाला हूँ सेल्फ का बटन। ये देखिए सेल्फ का साउंड ही नहीं है। इस बाइक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि आपको सेल्फ का साउंड देगी नहीं, वो चिक 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 पिक 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 को नो साउंड नॉट एट ऑल। ये देखिए एक बार दोबारा से सुनिए, ये देखिए साउंड है ही नहीं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि भाई ये क्या सीन बना दिया इन्होंने। ये देखना है 3, 2, 1 दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। पता नहीं सेल्फ वाली मोटर कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अब ये जो टेक्नोलॉजी इस 125 सीसी के अंदर आई है, इसके लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन लेटर मैं भेज दूंगा जहां भी भेजना होगा। और सीरियसली बता रहा हूं, जब ऐसे प्रोडक्ट आते हैं तब हम जैसे लोगों को जिनको कि शौक है उनको बहुत खुशी होती है कि किस सेगमेंट में क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी भी अगर आप बड़ी बड़ी बाइक्स में भी देख लो, जब उनके सेल्फ मोटर जब क्रैंक होती है तो उसमें आवाज़ बहुत गंदी गंदी आती है। लेकिन इस 125 सीसी में TVS कंपनी ने जो सोचा कि भाई क्या ही सोचा, क्या ही बना दिया इसको। देखिए बहुत साल पहले ऐसा ही एक फीचर आया था होंडा यूनिकॉर्न, जिसको कि जब मैंने स्टार्ट किया था पता ही नहीं चला था, लेकिन सिक सिक करके स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर नो साउंड एट ऑल। अब दोस्तों इसके और फीचर की बात करें तो एक और फीचर है जो कि मुझे काफ़ी प्यारा लगा। फीचर क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट ब्रेक, इसका जो लीवर है कुछ अलग ही टाइप्स का बना दिया है। ये देखिए ये वैसा लीवर नहीं है जो आपको नॉर्मल बाइक्स में दिखता है, ये कुछ अलग है। इसका जो सिस्टम है काम करने का वो भी अलग है, अंदर पिस्टन वगैरह वैसे ही है, लेकिन ओवरऑल जो बाइक है ये अलग अलग चीज़ों से लैस है। इसकी जो हेडलाइट है ये भी LED है, अगर मैं दिखाऊं आपको ऐसे, और हम यहाँ से देखें तो ये देखिए इसका जो DRL है ये रात को दिन में दोनों में बहुत खूबसूरत है। 125 cc सेगमेंट में अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए लाइट LED लाइट्स हैं इसमें गाइस, LED लाइट्स। और 125 cc का जो साउंड है वो अल्टीमेट साउंड। इसमें जो आपको टर्न सिग्नल्स मिलते हैं वो नॉर्मल फ्लोरोसेंट हैलोजन बल्ब हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलती है फुल LED, फिर उसके नीचे मिलता है एक नंबर प्लेट लाइट, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टर्न सिग्नल्स। अगर इसके डिज़ाइन सेंस की बात करें तो ये जो बॉडी है ये पूरी फाइबर की है, लेकिन बॉडी एक डेल्टा बॉक्स फ्रेम के अंदर है, मतलब इसके अंदर टैंक है, उसके ऊपर जो फेयरिंग होती है वो बनाई जाती है। यहाँ पे आपको नॉर्मली एक छोटा सा इंजन दिख जाएगा 125 सीसी का, जो कि काफ़ी हमें अच्छा लगा चलाने में, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और स्मूथ भी है। इस सेगमेंट की बाइक में अगर आपको मोनो शॉकर मिल जाए तो क्या ही कहने। यहाँ पे इसका है मोनो शॉकर जो कि इस बाइक के सेगमेंट में इसको एक पायदान और ऊपर ला देता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं इसका क्लोजअप से दिखाऊं आपको तो यार क्या तो स्क्रीन इन्होंने बनाई है, पूरी LED स्क्रीन इसके अंदर डाल दी है। ये देखिए जैसे कि हम ये ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा कलर डिस्प्ले मिलता है, और कलर डिस्प्ले में क्या क्या है यहाँ पे देखिए, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिखाएगा, हेलमेट का साइन यहाँ बना आ रहा है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप जो है साइड स्टैंड पे आपने बाइक लगा रखी है। यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ये 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गई है, ये न्यूट्रल, ये सेकंड। तो ये गियर इंडिकेटर है इसमें। यहाँ पे आपको एक क्लॉक मिल जाती है, और स्पीडो आपको यहाँ मिलता है, ओडो आपको यहाँ मिल जाता है।
और इसके मीटर में आपको दो बटन्स मिलते हैं, ऊपर वाला जो है रीसेट के लिए है और जो नीचे वाला है इससे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको दबाऊंगा बी हो गया है, ट्रिप सी हो गया है। अगर यहाँ देखिए यहाँ पे रेंज आ गई है, रेंज कितना चलेगी 54 किलोमीटर तक अभी चल सकती है। हमने इसके अंदर सिर्फ 100 रुपीज का ही पेट्रोल डलवाया है तो उसमें इसने बता दी 54 किलोमीटर तक चलेगी। ये देखिए इसकी एवरेज निकाल रही है अभी इस वक्त 40 की, क्योंकि हम अभी इसको ऐसे वाले एनवायरनमेंट में चला के आए थे कि बस एक चक्कर ही लेके आ गए, तो इस वजह से अगर आप उसको हाईवे में लेके जाएंगे तो ये काफ़ी एवरेज निकाल सकती है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सीरियसली काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी नाइस लुकिंग है, रात को ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर इंजन के बारे में बात करें तो इंजन इसका है एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर SI इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। जो बोर है वो 53.5 × 55.5। पिस्टन डिप्लेसमेंट है इसकी, मतलब कितने सीसी की है अगर आप बोलें तो ये है 125.8 सीसी की, यानी कि 125 सीसी के सेगमेंट में आती है। इसके अंदर लगे हैं 3 वॉल्व। मैक्सिमम पावर जो है इनकी इन किलोवाट के अंदर अगर देखा जाए तो 8.37 × 7500 RPM पर निकालती है। मिनिमम टॉर्क ये दे देती है आपको 11.2 का × 6000 RPM पर। इसमें आपको 5-speed ट्रांसमिशन मिलता है जिसका कि पैटर्न है 1 down न्यूट्रल एंड 2nd, 3rd, 4th, 5th ऊपर की तरफ। अगर आपको TVS की कोई भी बाइक या स्कूटी लेनी है या फिर आपको TVS का कोई भी सामान लेना है तो आप अहिंसा मोटर्स अर्चनी में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में बताना चाहता हूँ कि TVS ने भी कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शन निकाल रखे हैं। अगर आपके पास कोई ओल्ड बाइक या स्कूटर है आप उसको स्वैप करवा सकते हैं और इजी फाइनेंस के अंदर अपनी न्यू बाइक ले सकते हैं। अब मैं आपको उसका दिखाना चाहता हूं एक फ्लाई बाय, फिर उसके बाद करेंगे एक टेस्ट राइड। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो टेस्ट राइड का वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। इस वाले में मैं आपको फ्लाई बाय का इसका साउंड सुनाता हूं कि ये लगती कैसे देखने में। रेडी 3, 2, 1। राइड करने के दौरान मेरे को एक चीज़ मिली जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ से तो ये देखिए, ये इसमें दो मोड दिए गए हैं, एक है ईको और एक है पावर मोड। गाइस जब मैं ईको मोड पे चला रहा था ना तो मुझे इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है थोड़ा सा डाउन लग रहा था, क्योंकि भाई 125 सीसी है। कंपनी ने ये सोच के बनाई है कि इसके जो राइडर होंगे उन्हें माइलेज ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन कंपनी ने एक और दिमाग भी लगा लिया जो कि कंपनी ने सोचा कि भाई जो इसके ऑनर होंगे, जो उसके राइडर होंगे, उनको कभी ना कभी थ्रस्ट भी चाहिए होगा, कभी ना कभी पावर भी चाहिए होगी, तो उन्होंने पावर मोड डाल दिया इसमें। और ये जो पावर मोड है सीरियसली ये अच्छा लगा, जब मैं दूसरी बार निकला था ना यहाँ से जो करता हुआ तो ये वो मोड था, ये पावर मोड। मज़ा आया 125 सीसी की मोटरसाइकिल ऐसी कि जो आपका दिल जीत ले फीचर्स वाइज, मॉडल वाइज, लुक्स वाइज और चलाने में, तो इसके क्या ही कहने। ये है इसका ब्लैक कलर, इसमें बहुत सारे कलर्स और भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं जिसके अंदर की आगे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती और कुछ मॉडल्स हैं जिसके अंदर आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है वो है आपको 75,000 से 80,000 के अप्रॉक्स मेरे ख्याल से इतनी है, जिसके अंदर की आपके सारे वेरियंट्स आ जाते हैं और सारे वेरियंट्स काफ़ी अच्छे मुझे लगे। अब बहुत हो गई इसके बारे में बातें, अब टाइम है इसको टेस्ट राइड लेने का। तो मैं तो जा रहा हूँ टेस्ट राइड लेने, टेस्ट राइड का वीडियो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे आपको किसी और को भी दिखाना तो शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।